हेलो मेरे कलाकार भाइयों, कैसे हैं आप लोग? और मुझे उम्मीद है कि आप सब अपने अपने कामों में बिजी होंगे और सरस्वती माता की सेवा में लगे होंगे, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। तो अभी शाम का समय हो चुका है और अभी लगभग 6 बज रहा है और मैं अपना मिट्टी का काम अभी कर रहा था इस मूर्ति में। ये इसमें का बैकग्राउंड सेम इसी टाइप का है, इसमें सिर्फ नीचे का जो डिजाइनिंग है वो हमने क्या किया, वो चेंज किया हूँ थोड़ा सा, जो कि ये इसमें कमल का फूल नीचे में हमने बनाया है, बाकी नीचे का जो बैकग्राउंड है वो सेम है। और बहुत सारे मूर्ति जो कि नए बना है तो मैं सोचा आप लोगों को दिखा दूँ, क्योंकि आप लोग मेरा मूर्ति देख कर के ही बहुत कुछ सीखे हैं और बहुत सारे लोगों ने मुझे व्हाट्सएप पे फ़ोटो भेजा है, तो बहुत अच्छा प्रयास किए हैं जो कि कुछ सीखने के लिए तो बहुत अच्छा है। और मुझे बहुत खुशी हुई कि आप लोग कम से कम इतना तक कोशिश तो कम से कम आप कर रहे हैं क्या। तो मैंने जो डिजाइनिंग का जो ऑर्डर हुआ था वो पीछे वाली काम है, इसमें भी दीप का काम बाकी है, एक साइड का दीप हमने बनाया है। वो इसमें कन्फ्यूजिंग ये हो गया कि मैंने एक साइड का जो कि दीप हमने बनाया तो हमें लगा कि दोनों साइड जैसे वर्क कर पाएगा, लेकिन ये वैसा हुआ नहीं। तो बाद में फिर मुझे दोनों साइड का बनाना पड़ा। तो एक साइड का जो कि इसमें आपको दिख रहा है, इधर एक साइड का हमने दीप इसमें, ये एक साइड का सारा दीप हमने ऊपर तक लगा दिया हूँ और एक साइड का बाकी है। तो एक साइड का दीप जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा है वहाँ पर जो कि अभी लगना बाकी है, और नीचे का तो आपको सारा डिजाइनिंग बाकी ही है। और उसके बाद ये वाली मूर्ति तो हम आपको पहले भी दिखा चुके हैं और ये तो आपका सेम मूर्ति है, और इसका बड़े साइज़ का जो कि कॉपी पेस्ट हुआ है तो ये इधर है। बैकग्राउंड का भी काम हमने अभी अभी किया है वो है। और इसके बाद ये छोटा सा भी एक मूर्ति हमने बनाया है इनका। ये जो मूर्ति है ना, वो आपको जो कि ये रथ पर रखने के लिए वैसे उन्होंने ऑर्डर किए थे तो हम लोग बनाए हैं, इस टाइप का है। और जो है ये भी उसी टाइप का आपका जो कि मूर्ति है। और एक मूर्ति हम आपको और दिखा दें जो कि बहुत बड़ा मूर्ति बन रहा है, तो वो मूर्ति हम आपको दिखा देते हैं। ये जिनका हम बैकग्राउंड चेंज किए हैं तो ये है। और इसके बाद यहाँ पे ये मूर्ति तो शायद हम आपको पहले भी दिखा चुके हैं, और इस मूर्ति में भी हमने आज काम किए हैं इसमें। तो ये कपड़ा सेट मूर्ति है और ये हंस है, हंस का पंख हमने क्या किया सांचा से लगाया हूँ। और ये मूर्ति तो बहुत पुराना मूर्ति है। और यहाँ पे जो कि मिट्टी सानने का जो काम है वो चल रहा है। और ये जो कमल वाली जो मूर्ति था वो है, इसको थोड़ा सा मैं हटा देता हूँ ताकि आपको पूरा दिख जाए। ऐसे ये कमल वाली मूर्ति है जो कि ये पिछले साल आपको 4-5 ठो बना था वो है। और इधर जो कि आपको नाग वाली जो मूर्ति है ये है, ये कुछ इनका इस टाइप का जो कि साड़ी का ढांचा है यहाँ तक ऐसे। और इसके बाद एक मूर्ति और भी बना है वो मैं आपको दिखा दूँ जो कि काफ़ी बड़ा है। और ये मूर्ति बहुत ही काफ़ी बड़ा है, ये आप देख लीजिए काफ़ी बड़ा मूर्ति है। ये लगभग आपको 8 फीट, 8.5 फीट की ये मूर्ति है। और ये सारा का सारा जो कि आपको मिट्टी सेट मूर्ति है, इसमें कहीं भी जो कि रेडीमेड का काम नहीं करना है। और आप लोग का भी कमेंट आ रहा था कि जो पहले फर्स्ट में जो आप वीडियो बनाए थे उसका फाइनल बना करके दिखाइए, तो ये मूर्ति अभी वैसे ही अभी पड़ा हुआ है, तो इसका भी वर्क अभी नहीं हुआ है। इसका भी वर्क होगा तो हम आपको बताएँगे। और इधर एक कपड़ा सेट मूर्ति है, और ये वही मूर्ति है जो कि बड़ा वाला मूर्ति था उसका, ये है कॉपी पेस्ट हुआ है। ज़्यादातर मूर्ति कॉपी पेस्ट हुआ है क्योंकि वो टाइम नहीं है तो कुछ नया डिज़ाइन बना ही नहीं है, तो इसलिए ज़्यादातर जो कि पुराना जो डिजाइनिंग है उसी का कॉपी पेस्ट हो रहा है। और ये है ये मूर्ति का जो कि हमने बाल बनाए हैं मिट्टी का। तो देखिए मिट्टी का भी बाल बनाने के लिए इसमें हमने कुछ नहीं किया है, जैसे कि यहाँ पर है, यहाँ पे हमने पोड़ा लगा करके और इसमें क्या करें मिट्टी लगा करके हमने साड़ दिया। और इसमें के बाद जो भी डिजाइनिंग करना है वो सारा का सारा हम इसमें डिजाइनिंग जो कि करेंगे, और बाकी इसमें कुछ है नहीं। इधर छोटा सा मूर्ति है, यही है जो कि, और ये बड़ा वाला जो मूर्ति है वो आपको मेजरगंज का मूर्ति है,
तो जो भी लोग नज़दीक के होंगे वो तो देख ही लेंगे। तो फ़िलहाल जो कि मेरा मूर्ति का जो काम है अभी यहीं तक हुआ है, और अभी इस सारे को काम करने में बहुत अभी टाइम लगने वाला है, तो अब वैसे ही अभी काम चल रहा है। तो मिलते हैं हम आपसे अगले नेक्स्ट वीडियो में। और बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि पेंटिंग का, तो पेंटिंग भी जब तक मूर्ति फाइनल नहीं होगा जब तक पेंटिंग कैसे हो सकता है क्या, तो वही बात है। और भी कुछ नए मूर्ति जो कि बनने वाले हैं, जिनका जो कि मूर्ति हमने अलग से क्या किया हूँ बना करके हमने यहाँ पे रखा हूँ, ये देख लीजिए, ये मूर्ति हमने क्या किया हूँ अलग से बना करके हमने यहाँ पे रखा हूँ। तो आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें ज़रूर बताइए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक लीजिए जय हिंद, वंदे मातरम।